इरफान, व्यक्तित्व जो नाम का पर्याय बन गया, मुकम्मल इतना कि अंत का पता हो और शांत इतना कि अंदर उठ रहे सवालों के सैलाब को संभाले, आवाज में ओज इतना कि जब वो बोले तो सब कुछ स्थगित हो जाए, और आंखों में भाव इतना कि शब्द नतमस्तक हो जाए। ऐसे बेमिसाल व्यक्तित्व वाले थे इरफान। जयपुर जैसे रंगीन शहर की मिट्टी ने जैसे अपने सारे रंग उन्हें दे दिए थे, और बंबई ने जैसे उन्हें करीने से सजा दिया था। इतने रंग उनके व्यक्तित्व में थे कि एक जिंदगी काफी नहीं थी। उनमें समंदर की अथाह शांति थी और नदी की अपार चंचलता। उनके व्यक्तित्व की मुकम्मल बयांबाजी उनका ही किरदार कह सकता है। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चिनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। अब इसके बाद क्या ही कहें, बस आखिर में इतना कि तुमको हम याद रखेंगे गुरु। नमस्ते, आप सभी का हमारे इस चैनल के इस प्रोग्राम पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इरफान पर और उन पर लिखी गई इस बहुत ही लोकप्रिय हो रही किताब के ऊपर, जिसका शीर्षक है और कुछ पन्ने कोरे रह गए इरफान, जिसको लिखा है अजय ब्रह्मात्मा जी ने। तो आज वो स्वयं हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्ते। और इरफान को इंट्रोड्यूस कराना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि हम सब लोग उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और अब उनके बारे में और जानेंगे, इस किताब के बारे में जानेंगे उसके उनके लेखक से। सो सबसे पहले तो आप हमें इस किताब के बारे में बताइए, और कैसे आपने ये डिसाइड किया कि इस पे ना किताब लिखी जाए। एक मेरी मूल योजना ऐसी कोई नहीं थी कि मैं किताब करूँ। इरफान से मैं लगातार मिलता रहा हूँ, जैसा कि इस किताब से जो लोग गुजरे होंगे जिन्होंने पढ़ी है किताब, उन्हें लगेगा कि कोई भी इंटरव्यू इस जगह से प्लान करके नहीं किया गया है। मैं लगातार मकबूल के बाद से उनसे बातें कर रहा हूं और करता रहा, तो वो सारे इंटरव्यू मेरे पास हैं अभी भी और उनकी आवाज़ में हैं। बहुत पहले, मतलब ये योजना जैसी लग सकती है लोगों को कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के जितनी हस्तियों से मिलता हूं, सबकी बातचीत को रिकॉर्ड करता हूं मैं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग जाहिर सी बात है, और वो सब सुरक्षित है मेरे पास अभी तक। निधन के बाद कई लोगों ने मुझे कहा कि आप तुरंत एक किताब ले आइए, लेकिन एक भावना मेरे अंदर थी कि मुझे इनकैश नहीं करना है किसी की मौत को, वो भी इतने प्रिय व्यक्ति के मौत को। तो मैं इंतज़ार करता रहा कि नहीं, मैं सब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा उसके बाद मैं ये किताब ले आऊँगा। पहले तो ई बुक के तौर पर ले आया मैं, नॉटनल से आई थी ये किताब। ई बुक में दो हिस्सों में दो किताबें हैं वहाँ पे, एक तो और कुछ पन्ने कोरे रह गए इरफान, और दूसरा इरफानियत, जो दोनों मिला करके ये किताब बनी है। और फिर मैं धन्यवाद दूंगा सरस्वती बुक्स के आकाश महेश्वरी को, जो इसके प्रकाशक हैं। उन्होंने आगे बढ़ कर कहा कि नहीं, मैं ये किताब के तौर पर छापूँगा और दोनों को एक साथ सम्मिलित करके छापूँगा। और फिर किताब आई। मैं उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने किताब दुकानों में नहीं दी, सीधे अमेज़न में दी, और अमेज़न के जरिए ये किताब सीधे पाठकों तक पहुंची है। बीच में कोई दूसरा रास्ता या जरिया नहीं था। इस तरीके से ये किताब लोगों के बीच पहुंच गई है, और जैसा कि मैंने इस किताब को समर्पित भी किया है कि उनके परिचितों प्रशंसकों के लिए ये किताब है। तो इस किताब को लेकर मुझे बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। मैं अब अगली कुछ किताबें कर रहा हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि इरफान जिस दौर में बॉम्बे आए थे और आप भी उसी दौर में बॉम्बे आए, तो मैं जानना चाह रहा था कि आपकी पहली मेमोरी जो है ना, उनकी क्या है आपके जहन में? कब आप उनसे पहली बार मिले, क्या बातें हुई, कहाँ मिले, और जो मुलाकात, जो दोस्ती फिर उसके बाद आप लोगों की शुरू हुई, तो उसके बारे में हमें थोड़ा आप बताएं। इरफान से मेरी मुलाकात, मेरी बहन है जो NSD से ही ग्रेजुएट हैं, फुफेरी बहन है मेरी अलका श्रीवास्तव, और उसके पति ईशान त्रिवेदी, तो उनके घर पे हुई। इरफान उनसे
परिचित थे और मुंबई आने के बाद उन्हीं के साथ ठहरे हुए थे, तो जाहिर सी बात परिचय हुआ, परिचय के बाद ये सारी चीज़ें जो एक संपर्क का होता है कि हाय हेलो और औपचारिकताएँ केवल थी। बाद में शिफ्ट किया उन्होंने और वो डीएन नगर के पास रहने आ गए, एसिक नगर में रहते थे अपने मामा जी के यहाँ, एक कमरे का घर था उनका और उसी कमरे में किचन भी था और सब कुछ था, ऐसी व्यवस्था थी। तो वहाँ भी मेरी मुलाकातें उनसे होती रहीं। उन दिनों वे टीवी ज़्यादा कर रहे थे और उनके कुछ आरंभिक सीरीज़ में से एक सीरीज़ था चाणक्य, और चाणक्य से मैं जुड़ा हुआ था डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी की वजह से, मेरा आना जाना वहाँ सेट पे होता था, तो वहाँ मुलाकातें थोड़ी होती रहीं। फिर धीरे 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 परिचय बढ़ता गया और उन दिनों में फिल्मों और टीवी पे बहुत कम लिखता था मेरा, मुख्य रूप से राइटिंग जो एडिट पेज पे अखबारों के और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, जनहित के सवालों पर और ऐसे राजनीतिक मुद्दों पर लेख होते थे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि मेरे लेख छपने थोड़े कम हो गए राजनीतिक कारणों से, और दुविधा थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। तो उस समय इरफान ने मुझे आइडिया दिया, ये भी संयोग की बात है, कि आप फिल्म पत्रकारिता कीजिए, फिल्मों पर लिखिए। तो मैंने इनसे कहा भी, इरफान से, कि भाई फिल्म पत्रकारिता करने का मतलब कि मुझे वैसे सारे लोगों के इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे जिनको मैं बहुत साधारण या बहुत सामान्य मानता हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप का परिचय मैं करवाता हूँ कुछ लोगों से। और आरंभिक परिचय इन्होंने बासु भट्टाचार्य से करवाया, क्योंकि बासु भट्टाचार्य के बेटे इनके दोस्त हुआ करते थे। फिर वो सिलसिला चला और फिर धीरे 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 मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया फिल्म राइटिंग में और फिल्मों के ऊपर लिखने में। बाद में ऐसी नौकरी भी मैंने कर ली। तो एक तरीके से मैं श्रेय दूंगा इरफान को कि फिल्म पत्रकारिता में वे ले आए। और मैं तो देखता हूँ कि जब भी मेरी ज़िंदगी में कुछ खास मोड़ पे, पड़ाव पे इरफान मौजूद रहे हैं, जब वे जीवित थे तब भी रहे हैं, आज वे अनुपस्थित हैं तब भी हैं। इस किताब के ज़रिए उन्होंने फिर से मुझे ज़िंदा कर दिया है, एक नया रास्ता दिया कि मैं ऐसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं तो इनसे उऋण कभी नहीं हो सकता, इनके कर्जों से बाहर नहीं आ सकता मैं, और मैं चाहता हूँ कि वो बना रहें। जैसे आपने इस किताब में लिखा है कि वो एक अभिनय की खास भूमि और एक दिशा की तलाश में थे और वो उस तरफ बढ़ रहे थे, उसके बारे में अगर आप हमें बताना चाहें, क्योंकि बहुत सारे एक्टर हैं जो देखते हैं, मैं भी एक अभिनेता हूँ, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। जो इस किताब की जो एक बहुत बड़ा इंटरव्यू जो है जो छपा है, उसमें उसके जवाब हमें मिलते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं और दुविधा में भी डाल देते हैं और कुछ चीज़ें सॉल्व भी कर देते हैं हम लोगों की, कि कैसे आप कैरेक्टर्स को अप्रोच करते हैं, क्या आप अप्रोच कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। इस किताब का जो पहला ही इंटरव्यू है, जो एक लंबा इंटरव्यू है, और कई लोग उसमें थक जाते हैं उस इंटरव्यू को पढ़ते पढ़ते, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं, और इतनी सारी बातें, मैं उसको कहता हूँ कि वो इरफान की प्रतिभा की नींव है वहाँ पे, सारी बातें हैं वहाँ पे, जिस पर वो इमारत खड़ी हुई जिसका नाम इरफान है और जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। तो इरफान के व्यक्तित्व और जो कलाकार थे उसकी सारी खूबियाँ अपनी बातचीत में वे जाहिर करते हैं वहाँ पर। और वहीं, जैसा कि आपने सवाल किया कि वो एक ख़ास किस्म की भूमिकाओं के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, वहाँ पहुँच रहे थे, तो ये शुरू से फोकस था उनका। और मैं बार बार जो नए अभिनेता मिलते हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि आपके भटकाव हो सकते हैं, आपके प्रलोभन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, लेकिन आखिरी गोल क्या है, आपकी मंजिल कहाँ है, कहाँ पहुँचना है आपको, वो कभी नहीं डिगना चाहिए, उस पर हमेशा टिके रहना चाहिए। और इरफान में ये कोशिश दिखाई पड़ती है। और हम देखते हैं कि अपने अवसान के दिनों में, अपने अंतिम दिनों में से कुछ पहले वे ऐसी भूमिकाओं में आ गए थे जब उनको लेकर के फिल्में लिखी जा रही थी। जैसे हिंदी मीडियम एक बड़ा उदाहरण है, और लंच बॉक्स, लंच बॉक्स करीब करीब सिंगल
इस तरह की बहुत सारी फिल्में उस समय आ रही थी लगातार, तो उन फिल्मों में देखें कि इरफान की अपनी जो खासियत थी उनके अदाकारी की, वो सारी खासियत वहाँ दिखती है। वहाँ कोई ऐसा रोमांटिक लड़का नहीं दिख रहा है, किशोर उम्र का लड़का नहीं दिख रहा है, एक मैच्योर व्यक्ति कैसे अपनी फिल्मों में अपनी जगह बनाता है वो वहाँ दिखाई पड़ता है। और इसके लिए जाहिर सी बात है उनकी लगन, उनकी मेहनत और उनका इंतज़ार, ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी एक्टर के लिए कि आपको क्या हासिल करना है, कहाँ पहुँचना है, वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है कि इरफान ने कुछ भटकाव वाले काम नहीं किए, किए हैं उन्होंने, बीच में कुछ ऐसी फिल्में भी की जब वे पॉपुलर सिनेमा में आ रहे थे। मुझे याद आता है, मैंने कई बार जिक्र किया है इसका, कि महेश भट्ट की ही एक फिल्म कर रहे थे, वो महेश भट्ट खुद नहीं डायरेक्ट कर रहे थे, कोई और डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन महेश भट्ट सेट पे थे और इरफान एक पुलिस की भूमिका में थे, पुलिस अधिकारी की। तो महेश भट्ट ने कहा उनको कि भैया थोड़ी ख़राब एक्टिंग करो तुम, ज़रूरी नहीं है कि तुम हर को उसी इंटेंसिटी के साथ करो, ये पॉपुलर फिल्म है ना, ख़राब एक्टिंग भी तुम्हारी चलेगी। तो लेकिन उनके लिए ये बड़ा मुश्किल था कि ख़राब एक्टिंग क्या होती है, चालू एक्टिंग क्या होती है। वो अभिनेता तो वही थे जो बाद में जिससे लोगों ने पहचाना, वही अभिनेता वो शुरू में भी थे। दृष्टि में भी जाकर आप देखें अगर उनकी जो शुरू की फिल्में हैं, और यह मकबूल भी, मकबूल से तो खैर हासिल से तो खैर पूरी दुनिया जान गई उनको, लेकिन अगर टीवी शोज भी उनके आप देखें तो वहाँ भी अभिनेता इरफान दिखेंगे। और एक उनका शो है जिसकी बार बार मैं चर्चा करता हूँ कि लोग देखें उसको जरूर, रेयरली दिखाई पड़ता है वो, और किसी विदेशी चैनल के लिए किया था उन्होंने, वो है इन ट्रीटमेंट। हाँ, उनका एक शो है और इरफान के अपने शब्दों में उनका सबसे अच्छा काम वहाँ पे है। मैं तो यही कहूँगा कि जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहते थे उसको उन्होंने हासिल कर लिया था, अब ये वक्त आया था कि वो इसको चौड़ा करें, प्रशस्त करें, ताकि दूसरे लोग आ सकें। उस राह पे वे बढ़ चुके थे और बहुत स्पष्ट था उनके दिमाग में शुरू से ही कि मैं ऋषि कपूर नहीं हो सकता। बातचीत में कहा भी है उन्होंने कि मैं जानता हूँ कि मैं डांस नहीं कर सकता, वैसा मैं वैसा चहेता कलाकार नहीं बन सकता, लेकिन मैं पसंदीदा कलाकार तो बन ही सकता हूँ। तो और वो वहाँ पहुँचे, हमने देखा उनकी जर्नी में। हालांकि वो एक लंबा वक्फा जो है उनका बीता बीच में, जब वो फिल्मों में सक्रिय तौर पर नहीं आए थे, हम लोग उनकी पूरी जवानी जो है वो चली गई उस दौर में, और उनका जो वो काम कर सकते थे वो नहीं कर पाए और हम नहीं देख पाए देखने वाले लोग। अब वो बहुत बड़ा सवाल है, वो इंडस्ट्री के लिए भी है, लेकिन उनका वो जो सकारात्मक पहलू की आप बात कर रहे हैं, वो खुद बोलते हैं जब उनसे लोग बोलते थे कि आपको नहीं लगता कि सफलता जो है वो आपको बहुत देर से मिली है, और वो इस किताब में भी लिखा है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि सही समय पे मिला है, वो सही समय उसमें जितना समय लगा है वो सही है। एक सवाल जो गालिब की लाइनें हैं कि यूं होता तो क्या होता, तो उनकी भी कुछ शिकायतें रही होंगी फिल्म इंडस्ट्री से? नहीं, इस चीज़ को तो वह बहुत अच्छी तरह समझते थे कि वे इंडस्ट्री के कलाकार नहीं हैं, जो इनसाइडर कहा जाता है, इनसाइडर नहीं है, आउटसाइडर हैं। उनका चेहरा नॉर्मल हीरो की तरह जैसा होता है वैसा नहीं है, यह भी इस बात से भी वाकिफ थे। नाच नहीं सकते थे, गा नहीं सकते थे, उस तरीके के काम नहीं कर सकते, लेकिन कहते थे कि मैं नाच सकता हूँ, मैं खुशी में नाच सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से नाच सकता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर था इनका। और शुरू से ही जब जयपुर से दिल्ली आने और दिल्ली से फिर मुंबई आने के बीच में उन्होंने अपने आप को तैयार किया है, खुद को। मुझे लगता है कि इसमें अशोक लोखंडे के जो राइटअप है जो उनके बारे में, उसको आप पढ़ें, जो अशोक लोखंडे उनके क्लासमेट हुआ करते थे, तो आपको पता चलेगा कि NSD के दिनों में ही वे कैसे डिफरेंट थे और किस प्रकार से वे अपनी सारी चीज़ों को निभाते थे या उसको पेश करते थे, और उसी को उन्होंने बाद में विकसित किया और आगे बढ़ाया। और इस बात को लेकर उनके मन में कभी शिकायत नहीं रही कि मुझे क्यों इतनी देरी से मिला। हाँ, ये शिकायत जरूर थी कि मुझे जो मिला वो उतना नहीं मिला, और जो कर भी रहा हूँ मैं उसको पहचान
खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिल रहा है। उनको दर्शकों से कोई शिकायत नहीं थी, उनके दर्शक बन गए थे, लेकिन जो चर्चा एक मेन स्ट्रीम मीडिया में होती है पॉपुलर कलाकार की होती है, उन्होंने कभी स्पष्ट कहा नहीं कि मैं अपने समय के जो दूसरे पॉपुलर कलाकार हैं उनकी तरह मैगजीन के कवर पे आऊं या कहीं और आऊं वैसे दिखाई पड़ूं। लेकिन मन में उनके ये बात कसक जरूर रह गई कि ऐसा नहीं हो पाया। जबकि और हम सभी जानते हैं, मीडिया, मैं खुद मीडिया से हूँ, हम लोग कैसे चीज़ों को सेलेक्ट करते थे, क्यों किसी को छापते हैं क्यों किसी को नहीं छापते हैं, उसके बहुतेरे अंदरूनी कारण होते हैं। और उसमें इरफान हैं, मनोज वाजपेयी हैं, इस तरीके के कलाकार नहीं आ पाते हैं और यह अन्याय होता है उनके साथ, और इस अन्याय को वे जानते थे और ये कसक उनके अंदर जरूर रह गई थी। लेकिन बाकी ये कोई शिकायत नहीं थी कि मुझे देरी से मिला है या मुझे और जल्दी मिल जाना चाहिए था, ये सब कहीं उनके मन में। लेकिन और मैं बार बार जो दूसरे कलाकारों को ये बात कहता हूँ मैं कि आप उनका वो परसिवियरेंस देखिए या उनकी तैयारी देखिए कि 16 साल के इंतज़ार के बाद भी वे तैयार थे अपनी भूमिकाओं के लिए, और जो उसके बाद लगातार काम मिले तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जरा मुझे इस फिल्म के इस रोल के हिसाब से तैयार हो जाने दो, वे पूरी तरह से तैयार थे। तो यह जो 16 साल की तपस्या कह लें उसको आप, लगातार ये तपस्या कितने कलाकार कर पाते हैं, हमने उनके कंटेम्प्रेरी में ही कई लोगों को देखा है जो फिल्मों में काम नहीं मिला तो किस तरीके से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया और सुडौल नहीं रह गए वे पर्दे के लिए। और जाहिर सी बात है जब आप सुडौल नहीं रहेंगे, आप कलाकार हैं तो आपको काम मिलने में दिक्कत होगी, लेकिन इरफान के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही। बाकी उनका जेनेटिकली छरहरा बदन था उनका, तो वो एक उनके काम भी आया और उन्होंने उसमें बहुत मेहनत की खुद को। और सबसे बड़ी चीज़ कि लगातार सीखते रहे, वो लगातार अपने क्राफ्ट को सुधारते रहे और वैसे लोगों के संपर्क में रहे जिनसे चीज़ें सीखी समझी जा सकती हैं। सो इस किताब में जैसे बहुत से लोगों ने अपने अपने संस्मरण एक तरीके से उनको याद किया है और उनके लेटर्स जो है उनकी राइटिंग है वो आपने इसमें छापी है, तो उसको इकट्ठा करना कितना मुश्किल था या बहुत आसान था? नहीं, आसान जैसा तो कुछ नहीं होता है। इसमें करीब 36 लोगों के इंटरव्यू हैं और या बातचीत है, उनके संस्मरण हैं, सभी से संपर्क करना, सभी को बार बार आगाह करना, सभी से राइटअप मंगवाना, फिर सबके लिखने की शैली, व्याकरण, तमाम चीज़ें सब अलग अलग होती हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिख नहीं सकते, बोलते तो हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो वैसे लोगों की बातों को रिकॉर्ड करना, फिर उसको संभालना और ठीक करना, ये सब मुश्किल काम था। हाँ, चुनाव में मैंने ये ज़रूर देखा कि जो लोग उनके जानने वाले पहचानने वाले हैं वे उनकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं टच किए हों या उनकी ज़िंदगी प्रभावित हुई हो इरफान से, तो वैसे ही लोगों को मैंने साथ में दिया इसमें। ऐसा नहीं कि चाहने वाला कोई एक आम दर्शक लिखना चाह रहा हो तो मैंने उसको तरजीह दी हो, ऐसा नहीं है। इसमें रवि चतुर्वेदी का इंटरव्यू है, रवि चतुर्वेदी उनके गुरु रहे हैं और बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक्टिंग सिखाने के लिए उन्होंने इरफान को थप्पड़ भी मारा था। और अभी भी हैं वो जयपुर में, मिला जा करके उनसे। उनके बचपन के दोस्त लोग रहे हैं जिनके साथ ये नाटक किया करते थे, बहुत बाद में और सारी जानकारियां भी मुझे मिली जो किताब खत्म हो जाने के बाद। जैसे शुरुआती दिनों में ये राजेश खन्ना की एक्टिंग किया करते थे स्टेज पर, एक पूरा ग्रुप था जो दिलीप कुमार के भी नाटक की और बिल्कुल बिल्कुल, जो हमेशा हर कस्बे हर शहर में ऐसा होता है, एक ग्रुप जो फिल्मों से प्रभावित होता है और फिर ये काम करता है। आप लोगों को शायद मालूम है कहीं प्रसंग में, अब तो आ चुका है, जाहिर हो चुका है कि पिता के देहांत के बाद जॉब के लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, जिसमें टायर रिपेयर करने से लेकर के इलेक्ट्रिशियन का भी काम किया। और उस ज़माने में ये ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे आए थे तो राजेश खन्ना के घर में एसी भी ठीक किया है इन्होंने, जो इनको बाद में पता चला कि ये राजेश खन्ना का घर है, तो ये सारा भी काम किया है। लेकिन कहीं से इन चीज़ों को वो दोहराते या बताते नहीं थे अपने स्ट्रगल को। मुझे उनके एक मित्र का लेख है इसमें, जिसमें बताया उन्होंने कि इन्होंने गाड़ी ले ली थी, मर्सिडीज वगैरह ले ली थी, और फिर कैसे ये एयरपोर्ट से उतरे और अपने कांच को नीचे कर लेते हैं वहाँ पे, जो कि एक ऐसी बस्ती है जहाँ बदबू और तमाम चीज़ें हैं,
तो उनका दोस्त मना भी करता है कि यार क्या शीशा क्यों उतार रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे यहाँ की खुशबू, जो यहाँ का माहौल है वो गंध मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पले बढ़े, वहाँ थिएटर किया, वहाँ सब कुछ किया, तो उसको फिर से जीना चाह रहे थे वो। और ये नॉस्टैल्जिया उनकी लाइफ में है, बहुत सारा है। उनकी बातचीत में या उनके रहने सहन में भी मैंने देखा कि भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था उनको। हाँ, पेड़ पौधों से लगाव था, ज़मीन से लगाव था, खेती करना चाहते थे और इस हिसाब से उन्होंने कुछ तैयारियाँ भी की थी। रहने के लिए इस इंटरव्यू में शायद आया भी होगा, एक दो जगह कहीं है कि शुरू में वे अपने रहने की जगह का विस्तार करना चाह रहे थे, बड़े से बड़े घर में जाना चाह रहे थे। बहुत बाद में जब बीमार थे, लंदन के दिनों में थे, ये सब बातें इसमें नहीं आई हैं किताब में। मैंने इंटरटेन करने के लिए कुछ पुरानी तस्वीरें उनको भेज देता था और पूछता था कि क्या ये तस्वीर याद है आपको, या क्या ये कैरेक्टर याद है आपको, जैसे कुछ टीवी शोज की है, कुछ फिल्मों के, कुछ रद्दी फिल्मों के भी। लेकिन आप एक कलाकार की ईमानदारी और कलाकार की याद देखें, उनको अपने सारे किरदार याद थे वैसे भी, जो हम सब की लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन उनको सारा याद था। और बहुत बाद में एक तस्वीर उनको भेजी थी जो डीएन नगर की थी, मेरी ली हुई उनकी तस्वीर, मैंने भेजा था उनको, तो कहा कि हाँ भैया ये मुझे याद है, ये 10x10 का वह कमरा है जहाँ से मैंने शुरुआत की थी और आज फिर से मैं 10x10 के कमरे में रह रहा हूँ, जहाँ एक थैला है उसमें कुछ किताबें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक व्यक्ति के जीवन को देखें कि कैसे उसके जीवन तब्दीलियाँ आती हैं और जब ऐसी बीमारी से वो जूझता है तो कैसे उसमें एक निसंग भाव दुनिया को लेकर के, दुनिया सबको कहते हैं फानी है, ख़त्म हो जानी है, इस चीज़ का एहसास तो उनको हो ही गया था। तो वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और एक हम लोग जिसको आम भाषा में सूफीज़म कहते हैं, एक सूफ़ी होना कहते हैं, इरफान एक सूफ़ी कलाकार थे। उनका एक बहुत पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, एक कॉरपोरेट की किसी व्यक्ति ने, वो उनका इंटरव्यू कर रहे थे और वो उस इंटरव्यू के दौरान बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू नो गॉड, मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। तो उससे और उनके काम से भी, जिस तरीके से वो कविताएं पढ़ते थे, जिस तरीके की वो किताबें पढ़ते थे, उससे बिल्कुल ये जाहिर होता है कि वो सूफीज़म और उस तरफ बढ़ने वाले वो कलाकार थे, जो कि उन्होंने काम में भी वो लेके आ गए थे वो चीज़ जो बाद में दिखती है हमें। एक चीज़ मैं पूछनी चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज़ जो इस किताब के अंदर ना आ पाई हो, या कोई ऐसा उनका संस्मरण जो आपको बाद में लगा हो कि ये आना चाहिए था, ये नहीं आ पाया इसके अंदर, या नेक्स्ट में हम लोग आएगा। मैं ऐसे तो उनके, चूँकि लगातार संपर्क मेरा रहा है उनसे और मैं आता जाता रहा हूँ, मैं वैसे चंद लोगों में से हूँ जो मुंबई के जितने उनके ठिकाने रहे, करीब करीब मेरे ख्याल से 6 घर बदले उन्होंने, और उन सभी घरों में मेरा आना जाना रहा है और सुतपा से मेरी अच्छी जान पहचान है। और कभी उन्होंने मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया, कभी, हमेशा भैया संबोधन करते रहे। यह उनका आदर, उनका प्रेम, जो भी हम उसके लिए प्रेम आदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैसा था। ऐसे कुछ एक बहुत निजी प्रसंग हो जाएंगे वो, जहाँ एकाध का जिक्र भी है इसमें, जैसे कि एक तो जिक्र है जब 60 साल का मैं हुआ था तब उन्होंने बधाई मुझे भेजी थी और उसमें मेरी बेटी का जिक्र करते हैं, जहाँ मैं बेटी को डांट रहा था कि ये मेरा क्या होता है, सब कुछ हमारा होता है। और इस बात को उन्होंने बहुत बाद में समझा कि ये मेरा और हमारा का फ़र्क क्या होता है एक बच्चे के लिए। हाँ। बच्चे के दिमाग में अगर भरा जाए तो ऐसे ही उसी बेटी का, मेरी बेटी आर्टिस्ट है, वो फाइन आर्ट पर, तो उसका एक एग्जीबिशन लगा हुआ था और उनको पता चला कि उसका फर्स्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं देखना चाहूँगा, उसका काम देखना चाहूँगा, क्योंकि उसको बचपन से ग्रो करते हुए उन्होंने देखा था। तो तय हुआ कि हम लोग चलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए मीडिया को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए, मतलब वो जो पैपराजी सब जगह पहुंच जाते हैं फ़ोटो लेने के लिए कि इरफान आए हैं एग्जीबिशन देखने के लिए। लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त जीवन से समय निकाला, 2 घंटे हम लोग यहाँ से कोलाबा तक गए गाड़ी से, वहाँ एग्जीबिशन देखा उन्होंने, जो भी उनको बोलना बताना था वो देखा, फिर 2 घंटे लौट के आए। इस बात का मैं कहीं जिक्र ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही भावुक और खास करके मेरी बेटी के लिए मोमेंट था, और
उसकी गैलरी के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, उसकी गैलरी में आज भी तस्वीर पड़ी हुई है इरफान की, उनके लिए कि इरफान, अरे इरफान आए हैं, तुम्हारी पेंटिंग देखने आए हैं, तुम कैसे जानते हो इनको, तो इस ढंग की बातें हुई। तो वो एक बहुत ही निजी सा क्षण था। एक बार और मुझे याद है कि मैं डायबिटिक हूँ, तो इस बात की चिंता उनको रहती थी कि आप ये आलतू फालतू चीज़ें मत खाया कीजिए, या मतलब सेहत की चिंता उनके रहती थी हमेशा जब भी बात हो। तो उन्होंने मुझे एक जयपुर से ग्लास मंगवा के दिया था, जो किसी खास लकड़ी का ग्लास था, एक ही लकड़ी को काट करके ग्लास बनाया हुआ था, कहा कि आप इसमें पानी पिएंगे ना तो डायबिटीज आपका ठीक हो जाएगा। तो ऐसी चिंता भी थी उनकी, और इतना भरोसा करते थे मुझे। वो उस क्षण में मैं नहीं था, मैं खुद बहुत बीमार था यहाँ पे, जब हिंदी मीडियम आई थी इनकी और उसकी चर्चा चाहते थे कि लोगों तक वो जाए और बात करें, तब मैं इनको सजेस्ट किया था, मैं जे एन यू का प्रोडक्ट हूँ, जे एन यू से पढ़ा लिखा हूँ मैं, तब मैंने इनको कहा था कि आप जे एन यू जाइए एक बार, जे एन यू के लड़कों से मिलिए, और सिर्फ मेरा ये कहना था। और तभी मैंने अविनाश को ये जिम्मेदारी दी थी, अविनाश तो दिल्ली में थे, कि आप इनको जे एन यू ले जाइए, जे एन यू में एक सभा कीजिए इनके साथ, या जैसे भी लोगों से मिलवाइए। और बताते हैं जे एन यू के लोग कि करीब 4,000 बच्चे वहाँ जमा हो गए थे, और वो संबोधन, अफसोस कि उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है, टुकड़े टुकड़े में कहीं कहीं कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वहाँ जो एड्रेस किया है उन्होंने स्टूडेंट्स को और जो बातें की हैं, तो वो सिर्फ कलाकार इरफान नहीं है, एक नागरिक इरफान है। और नागरिक इरफान हमेशा अपनी बातचीत में, इसमें भी आपको दिखेगा, जहाँ वो सिर्फ फिल्मों से और फिल्म के क्राफ्ट से नहीं, अपने समाज से, उसके उसमें जो हो रहा है, जो घट रहा है, उन पर भी प्रतिक्रियाएँ अपनी देता है। तो जो आपने कहा सूफिज़म और गॉड को जानना चाहता हूँ मैं, गॉड को जानना अपने आप में कोई रहस्य नहीं है, मतलब ऐसा, और ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि वो आदमी धार्मिक हो गया। गॉड जानने का मतलब यहाँ जो मैं समझ पाता हूँ इरफान के संदर्भ में, कि उस परम सत्ता को या उस चीज़ को समझना कि जहाँ से सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं या अपने आप हो रही हैं, प्रकृति कर रही है, कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश। कुछ लोगों का नाम की वजह से इनके लगता है कि इरफान खान है तो मुसलमान होंगे, और मुसलमानों के बारे में एक आम धारणा है कि वे बहुत कट्टर होते हैं। इरफान के पास कोई कट्टरता नहीं थी, और बल्कि इरफान ने तो, मैंने जिक्र भी किया उनके शादी के प्रसंग में, जब इन्होंने अपनी सासू माँ से कहा था आप कहिए तो मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ, मैं हिंदू हो जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो, लेकिन 91 का जब दंगा हुआ, 92 का जब दंगा हुआ बॉम्बे में, उस समय ये बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, और उस समय खतरा महसूस किया था इन्होंने कि शायद हम लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल होगी। बाद में तो इनके ज़िंदगी में कई सारे ऐसे विवाद हुए हैं, जब इन्होंने मौलानाओं के ख़िलाफ़ भी कुछ बोल दिया, इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया। इनके लिए मजहब कोई किताबों में लिखे कुछ वाक्य नहीं थे, लाइफ स्टाइल थी पूरी, उस लाइफ स्टाइल को जिया उन्होंने और उसी को अपनाया, उसी को लगातार जीते रहे, करते रहे। और उनके अदाकार, मुझे एक सीन याद है, शायद मैंने कहीं जिक्र किया है या नहीं किया है मुझे मालूम नहीं, मैं खुद सेट पे मौजूद था उस समय, और उसमें इनका किरदार जो है, एक पूजा हो रही है और पूजा में जाकर के बैठता है, तो एडी जो बताते हैं कि आपको ऐसे आना है, ऐसे बैठना है, ये करना है, तो एडी ने अपने बता दिया। इन्होंने गौर किया कि एडी जो बता रहा है वो तरीका सही नहीं है, और इन्होंने बताया उसको कि देखो जब भी कहीं पूजा हो रही हो तो आप जिधर पूजा हो रही है या जिधर यज्ञ हो रहा है उधर पाँव नहीं कर सकते बैठने के लिए हमेशा, और उन्होंने शायद ऑब्जर्व किया हो कि पहले घुटने के बल बैठ जाते हैं या पैर को मोड़ लेते हैं वहीं पे और फिर बैठते हैं। अब हम लोग अमूमन इस उम्र में 40-50 की उम्र के बाद बैठने के समय वैसा नहीं बैठ पाते सीधे। तो उन्होंने समझाया कि जो भी पूजा हो रही है, जो भी इष्ट है, उसकी तरफ पाँव नहीं होने चाहिए, घुटने के बल पहले बैठिए और फिर उसके बाद पालथी मार दीजिए। तो बहुत छोटे, एक इस्लाम का पालन करने वाला अगर मैं कहूँ बचपन से, क्योंकि इनका परिवार बहुत ही ट्रेडिशनल और रहा है,
और उससे निकल कर एक आदमी आ रहा है तो उसके दोस्तों के सर्किल में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व तो किया होगा ना कि मेरे दोस्त के यहाँ ऐसा होता है या बचपन में कहीं देखा होगा जो उनके मानस में बैठ गया होगा। तो हम अपने जीवन में बहुत सारे व्यवहार ऐसे सीखते हैं। दिक्कत आज क्या हो गई है कि हमसे ज़्यादातर लोग स्क्रीन से चीज़ों को सीखते हैं, जीवन से नहीं सीखते हैं। आप फिल्में देख कर सीखते हैं, टीवी शो, मुसलमान ऐसे होते हैं, देखा उस फिल्म में दिखाया था, उस टीवी शो में दिखाया था, उस टीवी न्यूज़ में आया था। लेकिन अपने मैंने कई बार ऐसे दोस्तों से पूछा, संदर्भ जो आ गया गॉड ईश्वर धर्म का, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने कई बार अपने ऐसे दोस्तों से जो मुसलमानों का विरोध करते हैं उनसे पूछा कि आप किसी एक ऐसे दो मुसलमान का बताइए जो बहुत कट्टर हो और जो बहुत गंदगी का काम करता हो या जिसने मारकाट की हो। तो उनके जान पहचान में कोई नहीं है, सब सुन रखा है, बस सबने सुन रखा है। किसी के जीवन में पर्सनल अनुभव शायद ही किसी के रहा हो, वैसा ही उनके साथ भी है कि हिंदू ऐसे होते हैं। तो हम लोगों के बीच ये दिक्कत, लेकिन मैंने देखा इनके जीवन में कि इन चीज़ों को वो पाट चुके थे और इनसे बाहर निकल चुके थे। इसलिए आप बाबिल से मिले, बाबिल बिल्कुल एक अलग वो शहरी लड़का है जिसको इन सारी चीज़ों कट्टरताओं से कोई मतलब नहीं है, और इनके परिवार में भी वही सारा सब चलता है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर पता नहीं उनको मिला कि नहीं मिला, लेकिन ईश्वर की तलाश में तो थे वो, और उस शक्ति उस सत्ता की तलाश में थे कि कौन है वो जो सब चीज़ों को संचालित करता है। और हिंदुइज्म से बहुत प्रभावित थे, हिंदुइज्म कहते भी थे कि मतलब वहाँ ज़्यादा उदारता है। जी, एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ही वॉज अ सिटीजन फर्स्ट एंड देन ही वॉज एन एक्टर। तो वो आजकल के अभिनेताओं में, आजकल के कलाकारों में मैं खास करके देखता हूँ क्योंकि मैं उस पीढ़ी से आता हूँ और मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ अभी, तो वो बहुत कम दिखता है हमें। और मैंने एक बहुत अच्छी प्रसन्ना जो एक्टिंग टीचर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बार बोली थी जो कहीं किताब में भी लिखी है, कहीं जो पढ़ी थी या मैंने सुनी थी याद नहीं, लेकिन वो ऐसे है कि कुछ यू कैनॉट लर्न एक्टिंग ओनली बाई चेजिंग एक्टिंग। आपको बहुत सारे समाज और जिनसे ये जुड़े हुए थे, आजकल वो बहुत कम हो गया है। मैं देखता हूँ कि लोग सिर्फ एक्टिंग के ही पीछे भाग रहे हैं और उस सब चीज़ों में नहीं जा पा रहे हैं। और आखिर में मेरा ये सवाल कि इन आपकी और आने वाली किताबों के बारे में हमें बताएं ताकि हम लोग तैयार रहें पढ़ने के लिए और उन सब चीज़ों से जानने के लिए। कौन कौन सी किताबें आपकी आने वाली हैं? किताबें तो कई सारी आएंगी अभी अगर मैं काम करता रहा, और पिछले 25-30 सालों में मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं। तो एक तो निजी अनुभवों पर भी मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ लिखूँगा। उसके अलावा मैं जो काम कर रहा हूँ कि इसी शैली में, जैसी ये किताब आई जिसमें आधी मेरी बातचीत है और आधे में दूसरे लोगों के संस्मरण है, अमिताभ बच्चन पे एक किताब मैंने की है जो ई बुक में आ चुकी है, अब उसको हार्ड कॉपी में लाने का इरादा है, वो किताब आएगी। और मनोज वाजपेयी से मैं काम करना चाहता था उनके ऊपर, तो उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि जीवनी मैं नहीं करना चाहता अभी, मैं नहीं चाहता कि बायोग्राफी मेरी लिखी जाए अभी। फिर मैंने एक दूसरा विचार दिया उनको जो उनके क्राफ्ट को लेकर के है, और मुझे लगता है कि यह बहुत उपयोगी होगा उन सभी कलाकारों के लिए जो फिल्म या टीवी या थिएटर में काम करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो फिलहाल तो यही दिमाग में है। उसके अलावा काम तो इतने सारे हैं अलग अलग, फिल्मों पर लिखना बहुत कम हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आएँ जो फिल्मों पर लिखें, फिल्म लिखना बहुत सारे लोग चाहते हैं, फिल्मों पर लिखने वाले बहुत कम हैं। यही कोशिश है, देखें कहाँ तक सफल हो पाता हूँ मैं। आप इरफान के चाहने वाले लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो अगर आप पार दे दें? मैं तो यही कहूँगा कि इरफान की फिल्मों को देखें, सिर्फ सुनी सुनाई बातों या दूसरों के कही बातों पर अमल ना करें। इरफान को आप खुद करीब से देखें और बार बार देखें, और कुछ फिल्में तो ज़रूर देखें, जैसे कि मदारी उनकी फिल्म थी, जैसे कि लंच बॉक्स उनकी फिल्म है, पीकू है, मकबूल है, हासिल है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। इवन जो सामान्य फिल्में कही जाती हैं वहाँ भी इरफान की अदाकारी को देखें आप। और मैं सारे नए जो कलाकार आ रहे हैं फिल्मों में उनसे यही गुजारिश करूँगा कि इरफान का रेट्रोस्पेक्टिव वो अपने घर पर करें, और सारी फिल्में उपलब्ध हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ जाकर के वे सारी फिल्में देख सकते हैं। शुक्रिया।